जहां देखो वहीं पर कलह शुरू है, कोई भी एक मत हो ही नहीं पाता, सबके मत अलग अलग हैं। पिता का मत अलग होगा, पुत्र का मत अलग होगा, पत्नी का मत अलग होगा, भाई का मत अलग होगा, और ये मत भिन्नता ही कलह का कारण बन जाती है। इसी को विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं कि जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निधाना। विभीषण का मत अलग है, रावण का मत अलग है, मेघनाद का मत अलग है, कुंभकर्ण का मत अलग है। कोई सोने में मस्त है, कोई सोना पाने के लिए मस्त है, कोई राम की भक्ति में मस्त है, कोई राम के विरोध में मस्त है, किसी के अंदर सतीत्व है, मंदोदरी जैसी पतिव्रता और सतीत्व वाली पत्नी, और रावण जैसा जो माता सीता को उठा करके ले आया पत्नी बनाने के लिए। तो ये मत भिन्नता ही परिवार के बर्बाद होने का सबसे कारण होती है, घर बर्बाद होने का और वंश के विनाश का, कुल के विनाश का, संपत्ति के विनाश का, नाना प्रकार के दारुण दुख जो होते हैं वह सब कुमति से पैदा होते हैं, और यह कुमति मत भिन्नता की वजह से होती है। सज्जन आदमी का, अच्छे आदमी का आप अनुसरण नहीं करेंगे, उसका कहा नहीं मानेंगे, तो पतन तो होना ही होना है। जहां इसी को विभीषण समझा रहे हैं, रावण को समझा रहे हैं, लेकिन रावण को समझ में नहीं आ रहा। मंदोदरी रावण को समझा रही, मेघनाद रावण को समझा रहा, कुंभकर्ण रावण को समझा रहा, यहाँ तक कि भगवान शंकर स्वयं हनुमान के रूप में आकर के से कह रहे हैं कि राम चरण पंकज उर धरहु, लंका अचल राज तुम करहु। लेकिन वह अपने गुरु की भी बात नहीं मानता, अपने मद में, अपने घमंड में, अपने मोह में, इतना मोह अहमद मोहम्मद, अपने इस मोह और अहम मद में इतना ज्यादा वो मदमस्त है कि वह अपने गुरु की बात भी नहीं मानता, और गुरु की अपमान, गुरु का और भगवान की बात नहीं मानता, क्योंकि शिव तो उसके भगवान थे और गुरु भी थे, उनकी ही बात नहीं मानता और अपना सर्वनाश करा लेता है। और ये केवल मत भ्रम क्यों उसको उत्पन्न हुआ, क्योंकि उसके अंदर सुमति नहीं थी। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां सुमति है वहां पर ये सब शांति धन यश वैभव है, ये सब कुछ तो भगवान राम के पास है। पत्नी उनकी, उनके अनुकान का बिना कहे पत्नी को, माता सीता को वनवास थोड़ी हुआ था, वनवास तो भगवान राम को हुआ, लेकिन अपने पति के साथ में माता सीता भी जंगल आ रही हैं, लक्ष्मण भी, लक्ष्मण को वनवास नहीं हुआ था, लेकिन लक्ष्मण भी जी भी अपने भ्राता के प्रेम में वो भी वनवास में आ गए, और दशरथ जी वन भेज नहीं रहे हैं, कैकेयी ने कहा वन जाने के लिए, वर मांगा, लेकिन दशरथ जी ने नहीं कहा राम को कि तुमको वन जाना है, जंगल जाना है, लेकिन भगवान राम की सुमति दे कि पिता के मान वर्धन के लिए, पिता के का वचन रखने के लिए भगवान राम स्वतः ही वन का चले गए, वनगमन कर लिया, और उनके उनका अनुसरण अयोध्या के सारे लोगों ने किया, और सब अपने अपने सुमति के अनुसार, अपने अपने सुविवेक के अनुसार जिसके जो दायित्व थे वो करते रहे। पूरा राज्य सुखी था, पूरा परिवार सुखी था, इतना बड़ा कष्ट होने के बाद कि राम, भगवान राम जो अतिशय प्रिय पूरे अयोध्या को थे, वो जंगल में है, ये सबसे बड़ा कष्ट पूरी अयोध्या ने भोगा, उनके परिवार ने भोगा, सब कुछ भोगा, लेकिन ये कष्ट भी उनको सुख के समान लगता रहा। वो इस कष्ट को भी सहज भाव से भोग करके और पुनः भगवान राम को प्राप्त करके सारे लोग धन्य हो गए। लेकिन यहाँ सब कुछ है, लंका में सोने की लंका है, भाई भी है, पत्नी भी है, सब कुछ है, लेकिन सुमति न होने की वजह से सर्वनाश हो गया। तो ये होता है, जहां सुमति है वहीं संपत्ति है, वहीं पर सुख है, वहीं पर धर्म है, वहीं पर सब कुछ है, और जहां कुमति है वहां सर्वनाश है। तो कभी भी कुमति को ना आने दे, ना अपने मन में, ना अपने परिवार में, ना अपने घर में, ना अपने अपनों के बीच में कुमति को स्थान न दे। सुमति बनी रही तो आपका विकास होगा, आपके घर का विकास होगा, आपके परिवार का विकास होगा, आपके पुत्रों का विकास होगा, सारे लोग सुखी रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपनी कुमति को अपने विवेक से, भीतर से, अपने पास से बाहर करें और सुमति को स्थान दें, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा।